अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वी विल मीट अगेन, होप यू आर गुड इन हेल्थ। टुडे वी विल डू पेज नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 20 एंड हियर द क्वेश्चंस 1, 2, 3 क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन दिस पेज। ओके, ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट द क्वेश्चन सेड, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यू ऑलरेडी वॉच द वीडियोज, व्हाट इज द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी लिमिट हमें मालूम हो और उनको हम काउंट कर सकते हो, जिनको हम गिन सकते हो। इनफाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट अनलिमिटेड हो, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और वो अनलिमिटेड हो, उनकी कोई एट द एंड पॉइंट ना हो, तो वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसकी लिमिट हम जिनको काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट होते हैं, और जिनको हम काउंट ना कर सकते हो उनको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके, यू डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक। ओके, सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरों को हम गिन सकते हैं? जी बिल्कुल, हम गिन सकते हैं। सो पाकिस्तान के शहरों का हमें पता है कौन कौन से शहर हैं, तो दिस इज द फाइनाइट सेट। तो यू राइट फाइनाइट हेयर, दिस इज द फाइनाइट सेट। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटीज को हम गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं ना लाहौर की यूनिवर्सिटीज को, तो वी ऑल्सो राइट हेयर फाइनाइट। होल नंबर्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट, यू राइट फाइनाइट अगेन। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीगर्स, इंटीगर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, लेकिन उसके साथ क्या माइनस का साइन लग रहा होता है। अब तो नेगेटिव इंटीगर्स में जब हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होते हैं वो। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट्स, एस एक लाइन सेगमेंट है उसमें पॉइंट्स को गिनना है, तो दिस इज ऑल्सो द countable, तो दिस इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट, यू राइट द फाइनाइट हेयर। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट के वॉवल्स हमें पता है ए आई ओ यू, हम काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट, तो यू राइट फाइनाइट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेट मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे सेट जिसका सेट ना बन रहा हो और उसको रिप्रेजेंट क्या कहा, किससे कहा जाता है, एम्प्टी सेट को किससे कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है। That contains no element, जिसमें कोई भी element ना आ रहा हो उसको null set भी कहा जाता है, void set भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या set of whole numbers between 9 and 10, 9 और 10 के दरमियान का whole number लिखना है। 9 और 10 के दरमियान तो कोई whole number आता ही नहीं, तो ये null set हुआ ना। null set को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह बना के कोई set इसके अंदर मौजूद नहीं, या ऐसे। Okay, do you do like that? You this do this exercise also in the book. Set of people who landed on Mars 1994 से पहले कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो मार्स पर गए थे, तो दिस इज ऑल्सो द नल सेट। सेट ऑफ इंटीगर्स बिटवीन 4 and 6, 4 and 6 के दरमियान 5 आता है, तो दिस इज नॉट द एम्प्टी सेट। ओके, तो वी डोंट राइट हियर द नल सेट। इवन प्राइम्स नंबर हैं तो ये भी हमारा नहीं है नल सेट, हमें लिस्ट उनकी निकालनी है जो एम्प्टी सेट है। 3 digit greater than 1000 इज द 4 digit नंबर, इस और हमें 3 digit ग्रेटर नंबर चाहिए, तो 1000 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो दिस इज ऑल्सो द नल सेट। ओके, तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस के अंदर जो है हमें पॉइंट मिल जाता है इंटरसेक्शन का। ठीक है ना, तो ये दिस इज द नॉट द एम्प्टी सेट। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर क्या हो, एक जैसे एलिमेंट हो और उनकी तादाद भी एक जैसी हो, उनकी तादाद भी एक जैसी हो और एलिमेंट्स खुद भी एक जैसे हो। हाँ, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, एक आगे पीछे उनका ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इक्वल सेट ढूंढेंगे, 2, 3, 4, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट ईयर, 4 इज ईयर, 5 नहीं है, तो दिस इज नॉट द इक्वल। 5 चेंज हो गया 2 से, नंबर ऑफ सेट एक जैसे हैं लेकिन एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, तो दिस इज नॉट द इक्वल सेट, तो नॉट इक्वल आ जाएगा। 1, 4, 9, 12, 22, 32 नंबर ऑफ सेट की तादाद एक जैसी लेकिन सेम नहीं है, तो इस इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल, यू राइट लाइक दैट। ए बी सी डी ई सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू होते हैं और हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी है, दिस इज नॉट द इक्वल सेट। यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम, यहाँ पर मुझे 2 नंबर दिया हुआ, ये भी मेरा इवन प्राइम नंबर है, और सेट ऑफ इवन प्राइम्स बोला हुआ वो भी 2 है, तो दिस इज द इक्वल सेट, ये मेरा इक्वल सेट होगा, वी राइट द इक्वल सेट लाइक दैट। गॉट इट। मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30,
30 से छोटे वाले मल्टीपल्स ऑफ 7 लेने, लेस देन 30. तो लेस देन 30 हमारे पास 14, 21, 28 आ रहा है. तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 7, 14, 20, 28 अगर होता तो ये इक्वल सेट होता. तो दिस इज नॉट अ इक्वल सेट. यहाँ पर भी नल सेट थे, ये भी नल सेट, बोथ आर इक्वल, तो वी राइट इक्वल हेयर. गॉट इट? ए बी सी सी बी ए, तो तीनों एलिमेंट सेम भी हैं, नंबर ऑफ तादाद भी एक जैसी है, तो दिस इज द इक्वल सेट. इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट भी सेम हो, तादाद भी सेम हो, और वो एक ऑर्डर चेंज हो सकता है. ठीक है, दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है. दिस इज द इक्वल एंड नॉट इक्वल सेट. ओके, बस यू जस्ट राइट इक्वल एंड नॉट इक्वल हेयर. दिस इज नॉट इक्वल सेट, ये नॉट इक्वल सेट है. ए ई टी टी ई ए, दिस इज द इक्वल सेट. इवन नंबर लेस देन फोर, लेस देन फोर, फोर से छोटा इवन नंबर टू ही आता है, तो दोनों इक्वल हैं बराबर. ठीक है ना. एस एम क्यू एम क्यू एस, एक ही जैसे एलिमेंट है, तीनों की तादाद भी एक जैसे, तो दिस इज ऑल्सो द इक्वल सेट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वल सेट एंड नॉट इक्वल सेट. गॉट इट? डू दिस सम सेट ऑफ ऑल्सो.